भरतपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक पुरानी भूतिया हवेली थी। शाम होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता। एक दिन गांव में लल्लन नाम का चोर पुलिस से छुपने के लिए आया। लल्लन को पता नहीं था कि भरतपुर गांव में एक पुरानी भूतिया हवेली है और सभी गांव वाले उस हवेली से दूर रहते हैं। चलो भाई, घर चलो, शाम हो गई है, भागो भागो अपने घर जल्दी से। हाँ हाँ चलो भाई, चलो घर चलो जल्दी, वरना वो भूत बाहर आ जाएगा और हमें खा जाएगा। चलो, अच्छा हुआ ना जी, मैं इस गांव में आ गया। गांव वाले मुझे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देते। अरे भाई लोग, क्या इस गांव में कोई मकान खाली मिलेगा किराए पे? उनको यहाँ थोड़े दिन रहने का है। भाई तुम कौन हो और इस गांव में कैसे आना हुआ, वो भी रात के समय? अरे भाई, अपन कुंदनपुर से आया है या इस गांव में काम करने को? अपने गांव में थोड़ी महामारी चल रही है भीड़ों। आओ आओ, मैं तुम्हें गांव के सरपंच के पास ले चलता हूँ, अब वो ही तुम्हारे रहने का इंतजाम कर पाएंगे। चलो, ज्यादा देर यहाँ खड़े मत रहो। सरपंच जी, अरे ओ सरपंच जी, सुनते हो? अरे तोताराम, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ सरपंच जी, सब ठीक है। मैं तो इस आदमी को आपसे मिलाने लाया हूँ। इसका नाम लल्लन है, गांव में घर और काम की तलाश कर रहा था, तो सोचा आपके पास ही ले आऊं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ सरपंच जी, मेरे को कोई काम की जरूरत है। आपके पास कोई काम हो तो बताइए ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं अभी तुम्हारे रहने और काम करने के इंतजाम करवाता हूँ। तब तक के लिए तुम मेरे ही घर रुक जाओ, यहाँ मैं भी अकेला ही रहता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, शाम होने के बाद घर से बाहर मत निकलना। हाँ सरपंच जी, मुझे तो आप बहुत भले इंसान लगे। आपका दिन तो एकदम रापची के जी, बिल्कुल चमकदार। मैं तो आपको देखकर ही समझ गया था, आप एकदम भले इंसान हैं जो मेरी मदद करेंगे। अरे भैया बस भी करो, अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। वैसे तुमने सही ही कहा, भला इंसान तो मैं हूं ही, इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि शाम होने के बाद घर से बाहर मत निकलना। लल्लन की मीठी मीठी बातों में सरपंच आ जाता है, लेकिन सरपंच को अंदाजा नहीं था कि लल्लन पुलिस से बचने के लिए गांव आया है। सरपंच की झूठी तारीफ करके लल्लन सरपंच को अपनी बातों में फंसा लेता है। हाँ सरपंच जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ये सरपंच कितना बेवकूफ है, इसे तो पता भी नहीं मैं इसकी झूठी तारीफ करता। वैसे इसके बाद भी बहुत माल होता जी, दिनों बाद इसका भी माल साफ कर देगा और भाग जाएगा आप बेवकूफ कहेगा। चलिए तो मैं चलता हूँ सरपंच जी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये आदमी नया है और मुझे तो इसके इरादे भी ठीक नहीं लग रहे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। बक बोड़ बक, ये तो इतना अच्छा इंसान है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका और अपना अच्छे से ध्यान रखूंगा। कितना बेवकूफ इंसान है ये सरपंच, किसी ने इसकी झूठी तारीफ क्या कर दी तो उसे अपने ही घर पे रखने को तैयार हो गया। अब लगता है मुझे ही लल्लन पर नजर रखनी होगी। तोताराम को लल्लन पर शक हो जाता है। लल्लन जहां जहां जाता, तोताराम उस पर नजर रखता। तोताराम लल्लन से दोस्ती कर लेता है और उसकी मन की बात जानने की कोशिश करता है। अरे लल्लन भैया, तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हें अपने ही गांव में काम क्यों नहीं मिला? अरे क्या बताऊं भाई तेरे को, किसी को अपने टैलेंट की कदर ही ना आई है। मैं तो एक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं भी अपने अंदर का टैलेंट दिखा पाता। क्या तुम एक गायक हो? तनिक कुछ गा के तो सुनाओ। मैंने तो एक ही गाना आता बचपन से, वही सुनता आ रहा हूँ जी, अमिताभ बच्चन का रापचिक सॉन्ग।
के पांड बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी घायल कर दे सबकी जान। अरे बंद करो, इतना बेसुरा कौन गाता है? हमारे गांव के बच्चे भी तुमसे सुरी लगाते हैं। क्या हुआ बड़ो, तेरे को अपना गाना पसंद नहीं आया क्या? बोले तो चकास। अरे नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं, चलो तुम्हें गांव की सैर करवा कर लाता हूँ। लल्लन और तोताराम गांव में सैर करने के लिए निकल जाते हैं। तोताराम लल्लन को गांव का कोना कोना घुमाता है, तभी वो दोनों उस भूतिया हवेली के पास पहुंच जाते हैं। अरे बेड़ो, ये इतनी खूबसूरत और राक्षस हवेली किसकी है जो अभी वीरान सी पड़ी है? जल्दी चलो लल्लन यहाँ से, ये भूतिया हवेली है, भूत हमें खींच कर ले जाएंगे, जल्दी भागो यहाँ से भैया। क्या बोला, भूतिया हवेली? अरे अपने को तो भूतों से बहुत प्यार है जी, भूतों को तो मैं यूं ही करके मारता। अपने सामने भूत क्या चीज, अपन सब देख लेते। और नहीं तो क्या, तभी गांव वालों ने मिलके यहाँ के रास्ते बंद किया हुआ है, इस हवेली के पास कोई भी नहीं जाता। चलो तुम झूठ बोल रहे हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो हवेली के अंदर एक बार चल के देखते हैं ना, क्या माल रखा होगा अंदर। मैं नहीं जा रहा अंदर, भूत है इसमें। ठीक है बड़ू, तुम घर जाओ, मैं आता है अभी। लल्लन हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने दरवाजे को दोबारा धक्का दिया, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने एक खतरनाक आवाज सुनी और अपने आप हवेली का दरवाजा खुल गया। लल्लन हवेली के अंदर चला जाता है। उस पुरानी हवेली में चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, तभी उसे फिर से कोई आवाज सुनाई नहीं। ये कैसी आवाज है? तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई दिख तो नहीं रहा, कहीं से मयूर को डरा रहा है। मैं भी कोई डरने वाला आदमी नहीं है, सामने तो आ जाए एक बार, क्यों डरा रहा छुप छुप के, चोरी छुपे खेल आ गया। अब तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। मुझे क्या लगता है बेड़ो, मैं तेरे से डर जाएगा और वापिस घर जाएगा, ऐसा कैसे? अब उन यहाँ से सारा माल उठा के लेके जाएगा बेड़ो। जल्लन ने अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि हवेली अंदर से और भी भयानक है। हर कदम पर उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन फिर भी आवाज आ रही है अपन के कानों में। ये कैसा खेल खेला जा रहा है अपन के साथ, अपन को डरा के भगाना चाह रहा है। अपन तेरे को डरा देगा, तो बड़ा भूत है क्या कोई? कौन है वहां? कौन है वहाँ? बड़ू कौन है? बाहर वो आ जा, बड़ू खेल खेल आ गया। मैं हूँ यहाँ का मालिक, यहाँ का राजा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे अपन को सब पता है, वो तो कुछ नहीं होता। चल बेड़ू बाहर वो आ जा, अपन पढ़ा, तू भी चोरी करने आया अपन की तरह, अकेले अकेले माल इकट्ठा करेगा बेड़ू, ये अच्छी बात नहीं होता। अपन साथ में मिलके करते हैं ना, आ जा बाहर को चल। अच्छा तुम यहाँ खजाने के लालच में आए, चलो अच्छा है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अरे बेटू कहाँ फंस गया मैं, मेरे को अभी थोड़ी डर सी महसूस हो रही है,
हाँ तो हर तरफ आवाजें आ रही हैं डरावनी सी, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। उनको बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ रास्ता कहाँ है संदेरी गुफा में? अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। लल्लन ने एक आहट सुनी और पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी उसने एक भयानक चेहरा देखा और डर कर गिर गया। लल्लन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो भाग कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर जगह के रास्ते बंद थे। बिड़ू मेरे को आस जाने दे, अपुन यहाँ रहा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, मुझे छोड़ दे बिड़ू, जाने दे मुझे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, बहुत लंबे समय के बाद कोई सवेली में आया है, वो मेरा भोजन बना है। क्या बोलते बिड़ू, छोड़ दे मुझे, जाने दे बिड़ू, जाने दे मुझे, मेरी माँ मेरा वेट कर रही है बिड़ू, जाने दे मुझे। हाँ माउस, तुम चोरी की लालच से आए, अब तुम कभी चोरी नहीं कर पाओगे, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं नहीं बिड़ू, अब मैं कभी चोरी नहीं करेगा, कोई लालच नहीं करेगा बिड़ू, माफ कर दे मुझे, मैं कभी नहीं आएगा वापस, मेहनत से काम करेगा और खाएगा दो रोटी। लल्लन की नजर हवेली की एक टूटी खिड़की पर पड़ी। लल्लन उस खिड़की की तरफ भागा और हवेली से बाहर निकल गया। लल्लन के बाहर आते ही तेज हवाएं रुक गई और लल्लन की जान में जान आई। सुबह हो गई थी। लल्लन बुरी तरह डरा हुआ था और वो सोचने लगा कि ये पूरी भयानक रात उसका सपना था या सच। उसने वादा किया कि वो कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा और कभी चोरी नहीं करेगा। वो भरतपुर से वापस चला गया और अच्छा काम करने लगा।